बी रेडी, 5 सेकेंड्स स्टार्ट. वी रिस्पेक्टफुली कॉन्कर विद दी अबव गाइडलाइंस एंड वाइल रीअफर्मिंग दी सेम वी वुड एड दैट दी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट शुड बी सच विच डज नॉट रिजल्ट इन अननेसेसरी हरासमेंट टू दी एक्यूज्ड एंड एट दी सेम टाइम डज नॉट कॉज एनी प्रिजुडाइस टू दी कंप्लेनेंट. इन दी लाइट ऑफ ए फोर एक्सट्रैक्टेड लीगल प्रिंसिपल्स द इम्प्यून्ड ऑर्डर इज क्लियरली एरोनियस इन एज मच एज द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 205 ऑफ द कोड कैनॉट बी सरकमस्क्राइब्ड बाय लेइंग डाउन एनी जनरल डायरेक्शंस इन दैट बिहाफ. इन मनोज नारायण अग्रवाल वर्सेस शशि अग्रवाल एंड अदर्स दिस कोर्ट वाइल ऑब्जर्विंग दैट द हाई कोर्ट कैनॉट ले डाउन डायरेक्शंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 205 ऑफ द कोड हैड इकोड द फॉलोइंग व्यूज. सिमिलरली द हाई कोर्ट शुड नॉट हैव फॉर ऑल इंटेंट एंड परपोर्ट इशूड द डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपियरेंस. सच ए मैटर अनडाउटेडली शैल बी लेफ्ट फॉर द कंसिडरेशन बिफोर द लर्न्ड मैजिस्ट्रेट. वी आर श्योर दैट द मैजिस्ट्रेट वुड एक्सरसाइज हिज जुरिसडिक्शन इन ए फेयर एंड जुडिशियस मैनर. इट इज इक्वली ट्राइट दैट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड हैव टू बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली विद सर्कमस्पेक्शन एंड इन रेयर केसेस टू करेक्ट पेशेंट इलीगैलिटीज और टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. इन मधु लिमाए वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए बेंच ऑफ 3 लर्न्ड जजेस ऑफ दिस कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड दैट द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स मे बी नोटिस्ड इन रिलेशन टू द एक्सरसाइज ऑफ द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट. ए दैट द पावर इज नॉट टू बी रिजॉर्टेड टू इफ देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कोड फॉर द रीड्रेस ऑफ द ग्रीवेंस ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. बी दैट इट शुड बी एक्सरसाइज्ड वेरी स्पेरिंगली टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस. सी दैट इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड एज अगेंस्ट द एक्सप्रेस बार ऑफ लॉ एंड ग्राफ्टेड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोड. सिमिलरली वाइल इट इज ट्रू दैट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल बट सच पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली एंड ओनली इन एप्रोप्रिएट केसेस इन ऑर्डर टू कीप द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द बाउंड्स ऑफ देयर अथॉरिटी. इन एनी इवेंट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस कैनॉट बी एक्सरसाइज्ड टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट जुडिशरी टू पास एनी
order or judgment in a particular manner. In Jasbir Singh versus State of Punjab, this court observed that so even while invoking the provisions of Article 227 of the Constitution, it is provided that the High Court would exercise such powers most sparingly and only in appropriate cases in order to keep the subordinate courts within the bounds of their authority. The power of superintendence exercised over the subordinate courts and tribunals does not imply that the High Court can intervene in the judicial functions of the lower judiciary. The independence of the subordinate courts in the discharge of their judicial functions is of paramount importance, just as the independence of the superior courts in the discharge of their judicial functions. The principle of justice, therefore, should be observed by all courts. The Bangalore Development Authority on 3/1/1997 issued a preliminary notification in terms of the Bangalore Development Authority Act 1976 BDA Act for acquisition of certain lands, of which the land in question 2 acres and 34 ghantas located in survey number 19/20 was a part. The final notification was issued on 2/8/1978. However, non-finalization of the acquisition proceedings led to filing of a writ petition before the High Court. The authority, by resolution number 1084 dated 28/6/1988, denotified 1 acre and 2 guntas of the land in question. The writ petition was withdrawn. The appellant purchased the said land. Subsequently, by a letter dated 30th August 2001, the appellant was informed that the denotification resolution number 1084 had been withdrawn by resolution number 325/97 dated 31/12/1997. The appellant filed a writ petition before the High Court seeking to quash the preliminary and the final notifications dated 3/1/1977 and 2/8/1978 respectively. It was contended that the provisions of S-11A of the Land Acquisition Act 1894 were applicable to the BDA Act and the award having been made after a period of more than 2 years from the date of declaration of the Act, the acquisition proceedings had lapsed.